वो तो प्लान बदली गया तो अब अबेले दुबई वाला एक्स आर्मी मैन पुष्कर चंद हर हर महादेव। तो हम आ गए आदि कैलाश यात्रा संपन्न करके और कल रात को हम पिथौरागढ़ रुके थे और आज हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ और मुझे आज पनूसा पहुंचने के बाद जाना है रुद्रपुर और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग आज का वीडियो। तो हर हर महादेव सोवियो में प्रसार प्रशिक्षण केंद्र थारकोट पिथौरागढ़ और हमारे सामने है लेजेंडरी एक्स आर्मी मैन पुष्कर चंद सेल 07। लेकिन मुझे पुष्कर का आज आउटफिट बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ही रात को कहीं घात लगा के बैठा हुआ है, यही झाड़ियों में घात लगा के बैठा हुआ है। ये मेरा सामान है यार, देखो बेइज्जती मत करना, ऐसे भाड़े कूड़े हैं तभी ऐसा ही है, ठीक है? ये भाड़े कूड़े पहले यार, ये अटैची कौन से जमाने की है पुष्कर? ये मेरे जब भर्ती हुआ था तब फर्स्ट अटैची ये निकली। सन 2004 से पुष्कर ने संभाल कर रखी अपनी अटैची। जब भी मैं जाता हूँ कहीं मेरा और ये ब्रिज क्रॉस करोगे तो ऊपर जाके पुष्कर का रूम है जो अब कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा। और ये है प्रसार प्रशिक्षण केंद्र थारकोट पिथौरागढ़ ग्राम विभाग, दूरी 500 मीटर लिखा है लेकिन ज्यादा है। एक मिनट अभी हम सामान सेट करते हैं पहले। अभी हम पहुंच चुके हैं घाट से ऊपर और मौसम हो रखा है सुहाना। जनरली आजकल तो धुंध लगती है बट आज उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हम लोग बहुत मुश्किल से मुझे ये सब कुछ देखने को मिलता है क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूं। तो अभी ये सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं टनकपुर पिथौरागढ़ से। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:56 और हमारी पहाड़ों की यात्रा यहीं ख़त्म होती है। यहां से प्लेन्स आ जाता है और गर्मी शुरू हो जाती है, तो यह सफ़र बहुत यादगार रहा, एक अलग ही अनुभव था, एक अलग ही फीलिंग थी। तो उम्मीद करता हूं फिर वहां जाने का मौका मिलेगा, फिर वही लम्बे गुजारने का मौका मिलेगा। तो अब यहाँ से आपको पहाड़ नहीं नजर आएंगे, यहाँ से आपको प्लेन्स नजर आएंगे जब तक कि मैं देहरादून नहीं जाता हूँ। जब देहरादून जाऊंगा तो फिर दोबारा से सब कुछ बदल जाएगा। और महादेव के दर्शन के बाद इसी सफर में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री 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 पवन पहाड़ी जी 108 से मिलने का और उनकी कुछ झलकियाँ। तो मेरी मम्मी, मैं बोल रहा था ना एक दिन पवन पहाड़ी को मिलूंगा और आज मेरे साथ। नमस्कार, बहुत बढ़िया लगा दादी से मिलवे, इनसे तो पहले भी बातचीत हो चुकी है और मगर बहुत बढ़िया लगा कि तुमने मेरा ब्लॉग देखा, किसी का ब्लॉग देखते रहे हैं दादी के लिए मैं ब्लॉग में ले लूँ सारे। तो पहली बार मैं जब मैं दुबई थी तब मैं बात कर रहे थे, वो टाइम ले मैं सोचने मरती हूँ कि एक ना एक दिन अगर दुबई वाला था यहाँ जरूर आला, बट उस टाइम ये थाईलैंड नहीं गया, वो तो प्लान बदली गया। तो अब अबेले दुबई वाला तो मोस्ट वेलकम। पुष्कर भाई सामान देख ले, काउंट कर ले, एक कट्टा दो और तेरा 2022 का ब्रीफकेस और भाभी जी यहाँ पर है। भाभी जी ठीक है ना सामान सब? पक्का काउंट कर लिया ना? चलो बाय बाय। तो फाइनली पहुँच चुके हैं फर्स्ट ड्रॉप मिस्टर मनीष चंद। तो कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू पंकज फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप। है? पानी भरा था ना वहाँ से? गया। अरे वहाँ से नहीं भरा था, नदी से। मैं सुनील नहीं भरा था। चलो यहीं पे कहना पड़ेगा बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं अगली बार जल्दी, ठीक है? चलो बाय बाय। यहाँ से अब सुनील चंद निकल रहे हैं। कैमरा थोड़ा खराब हो रखा है और कैमरा साफ करने के बाद सुनील चंद देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। दो बैग ही हैं, दो बैग है ना बस। चलो चलो ओके बाय बाय बाय। सो फाइनली पंकज पहुंच चुके हैं घर और दोनों बच्चों को लिया है पकड़। चलो। और ये गाड़ी की हालत मौसा जी देखो आपकी गाड़ी गाड़ी
शिव जी के चरणों से आई है। इसको धोना ही मत, इसको फ्रेम कर दो ना? इसके बाहर से प्लास्टिक कर दो। माँ 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 बोले माँ सो अभी हम जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? पीतल जा रहे हैं, रुद्रपुर जा रहे हैं अभी हम पूरी फैमिली। हम अपने गांव बनबसा को बाय बाय बोल दिया है। सो बनबसा की मेमोरीज भी याद रहेंगी। हमारा ग्रैंड वेलकम किया था वहाँ हमारी फैमिली ने, फिर हमने वहाँ सेलिब्रेशन किया। फोटोग्राफर भी हमने बुलाया था, फोटोमैन खटीमा उसका नाम है। सो उन्होंने भी शूट किया है, उसका वीडियो हम डालेंगे बहुत जल्द। और उसके बाद फिर मैं अपने मायके भी गई, नाना नानी से मिले मेरे बच्चे, काफ़ी अच्छा समय था। कल मैं अपने मायके से वापस आ गई थी तो वहाँ भी उनको बहुत उदास लग रहा था। और अभी हमने अपने फैमिली को भी बाय बाय बोल दिया उधर बनबसा अपने गांव में। और अभी हम जा रहे हैं रुद्रपुर, शायद कल हम लोग देहरादून वापस चले जाएंगे ना। और ये जो इन्होंने गले में पहना है ना ताबीज, ये बनाया था नाना जी ने, मतलब पंकज के नाना जी ने, इनके ना इनके बूढ़े के इनके क्या हुए नाना जी, नाना जी बड्डे नाना जी ने। सो अब मौसी के घर हम पहुंच गए थे 3 बजे। उसके बाद हमने खाना खाया, रेस्ट किया, टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। अभी बज रहे हैं 7:54। अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, लोगों को बुखार आया पर अभी थोड़ा सही हो गया है। और देखो यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। और आज मैंने बनाया बैगन का भरता, मैं अच्छा बना रही पर मुझे पता नहीं आज कैसा बना होगा। ये है बैगन का भरता, जब हम खाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। मैंने बंद कर दिया, चलो मैं दिखाई देती हूँ। और दो बैगन, कितने बैगन में निकला कीड़ा? दो बैगन में कीड़ा निकला। और मौसी का उस कीड़ा निकलने पे कुछ कहना है? मौसी बोलो जो आप बोल रहे थे, प्रेमानंद महाराज जो बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि जैसे हम भून के आप लोग मीट खाते हैं, चिकन मटन भून के खाते हैं, उसी तरीके से हमें भी भूनना पड़ेगा किसी दिन। कोई हमें भी भूनेगा उस तरीके से खाएगा। तो आज एक बैगन में, एक दो बैगन में, मतलब दो कीड़े हमने भूने मेरी वजह से भूना, पर वो अनजाना था, हमें उतना पाप नहीं लगेगा, कम लगेगा था, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो भुना गया तो मुझे लगता है। और मौसी नॉनवेज नहीं खाती है, पहले खाती थी अब छोड़ दिया, पहले खाते थे ना, पहले खाते थे अब बिल्कुल त्याग दिया है। और हम भी सोचे हम अपने बच्चों को ना दें, अभी तक तो यही सोचा है हमने। फैमिली अपने मम्मी लोग को भी बोल दिया कि नहीं देंगे, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आटा गूंथ दिया, अभी बनाएंगे रोटी। अभी हो रहा है डिनर टाइम, मौसी सॉरी मौसा जी और पापा ने कर लिया, हम लोग बचे और पंकज ने भी कर लिया। और ये पंकज की झूठी थाली, पंकज ने बोले प्यार बढ़ेगा तो अपनी झूठी थाली में मेरे भी खाना लगा लिया। थोड़ा तो बढ़ेगा।